हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट ईयर रूल सर्वाइवल। एंड यहां पे मेरे को पता चला यार, एक नया अपडेट आया है, तो मैंने डिसाइड करा चलो क्यों ना यार, आज जो है ना हम लोग नए अपडेट के हिसाब से खेलने का ट्राई करेंगे। एंड मुझे पता चला यार, नया अपडेट में जो है एक नया क्राफ्टिंग आरएनडी वर्कबेंच आया है, जिसमें हम लोग अपने लिए एसएमजी वगैरह आरएनडी कर सकते हैं। लेट्स सी गाइस, देखते हैं हम लोग आज आरएनडी मशीन से एसएमजी निकाल पाएंगे या फिर हमें वैसे ही मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे अबेंडेंट के पास पे स्पॉन हुआ था, तो मैंने डिसाइड करा चलो फटाफट से हम लोग चलते हैं अबेंडेंट को चेक करके आते हैं। बट मैंने जैसे ही याद आया यार, अबेंडेंट के लिए मेरे को मास्क चाहिए, फिर मैं मुड़ गया था। बट मैंने डिसाइड करा चलो क्यों ना यार, हम लोग चल के देखते हैं, क्या पता लक होगा अपने को लेवल 2 का मास्क मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रूम चेकआउट करने गया, बट एज यूजुअल रूम लूटेड था, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा लेट थे सर्वर में। तो बट मेरे को आगे बंदे दिखे, जो कि दो बंदे थे यार, वो अंदर जा रहे थे। एंड मुझे 100% श्योर था यार, यहाँ पे बटाया शॉटगन तो चलेगी जरूर। तो चलो देखते हैं, वैसे मेरे पास चकुआ है स्पॉन्सर का, एंड मारने का ट्राई करूंगा। वैसे शॉटगन तो बाउंडेड होगी यार, शॉटगन का गिरना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। एंड जैसे ही बंदे ने मेरे को देखा भाई, बंदा जो है ना पीछे से शॉटगन लेके आ रहा है। एंड देखो ले बैठ लगा नहीं लगा, अरे यार एक भी चकुआ नहीं लगा उसको। बट कोई नहीं यार, दोबारा मैं यहाँ पे अबेंडेंट के पास स्पॉन हुआ। एंड मैंने कहा यार, यहाँ पे कोई ना कोई तो अपने को मिल ही जाएगा। बट यहाँ पे मैं फ्यूल वगैरह देखा, फ्यूल वगैरह था नहीं। एंड यहाँ पे मेरे को फूड चेस्ट मिला, एंड इसमें मेरे को थोड़ा सा बोर मीट मिल चुका है। और अभी यार अपने के लिए घोड़ा वगैरह भी पकड़ना है मेरे को। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूम वगैरह चेकआउट करते हैं, लेट्स सी। ओके, रूम तो लूटेड है, बट यहाँ पे ये बंदा आया। ले बेटे निकल यहाँ पे सब बाहर। तो जैसे गाइस मैंने इसको मारा, एंड इससे मेरे को शॉटगन मिला, शॉटगन के साथ दो बुलेट्स। देखते हैं गाइस इस शॉटगन से अपन लोग क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने डिसाइड करा चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेवल 2 का मास्क देखते हैं, बट लेवल 2 का मास्क वहाँ पे था नहीं। तो मैं यहाँ पे से गया, पहले सबसे पहले मैंने अपना आपको हील अप किया, क्योंकि अपना हेल्थ थोड़ा बहुत गिर रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे से गया, एंड मेरे को एक बंदा दिखा जो कि शॉटगन चला रहा था, बट वो अभी यहाँ पे से भाग रहा है। मुझे नहीं पता वो क्यों भाग रहा है। तो मैंने डिसाइड करा चलो यार चलते हैं इसके पीछे पीछे, देखते हैं इस बंदे के पास है क्या। तो जब तक मैं इसको यहाँ पे पकड़ता हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है, एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ओ भाई आगे से एसएमजी की आवाज़ आई है मेरे को, एंड एसएमजी मेरे को चाहिए। तो जो बंदा यहाँ पे से भाग रहा था, डेफिनेटली उसके पास एसएमजी है। तो जब कर करके चलता हूँ, ये रहा वो बंदा। दो बंदे आपस के साथ हैं, एक फटका एक नॉक, दूसरा फटका दूसरा नॉक। तो यार एसएमजी मिलेगा, बट मेरे पास और बुलेट्स नहीं है, चकमे से काटता हूँ भाई इसको, कट जा भाई। तो एसएमजी का बुलेट्स तो मिला, बट यहाँ पे यार इसका एसएमजी नहीं गिरा, बट यहाँ पे इस बंदे का शॉटगन का काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स गिरा है। तो उसके बाद यहाँ पे अपने टीममेट बोलने लगा, कहीं पे भी कार्ड वगैरह नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला गोल्डन कोस्ट के पास आ जा, वहाँ पे जो झोपड़ी है उसके अंदर डेफिनेटली अपने को मिल ही जाएगा। तो मैंने आप अपना शॉटगन का बुलेट स्प्लिट करा। मैं सोच रहा था यार अपना शॉटगन गिरे ना, क्योंकि सेल्फ मारूंगा तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बट जब मैंने सेल्फ मारा, अपना शॉटगन वगैरह सब चीज़ गिर चुका था। तो यहाँ पे हम लोग आए, एंड यहाँ पे अपने को ग्रीन कार्ड तो यार 100% मिलेगा। तो ट्राई करते हैं ग्रीन कार्ड उठाने का। चलो भाई, अपने टीममेट ने उसको उसको अपने ऊपर ग्लिच कर लिया है। मैं चकुए से जाता हूँ, कार्ड तो एक गया, अपना टीममेट नॉक है तो ये भी गया। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कार्ड उठाता हूँ, उसके बाद मैं अपने टीममेट को रिवाइव करूंगा, एंड फिर जो है ना हम लोग ट्राई करेंगे ग्रीन रूम वगैरह का। तो ठीक है यार, अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव दिया। एंड अब जो है ना हम लोग वो काम करने वाले हैं जिस चीज के लिए मैं आया था अपडेट के रिकॉर्डिंग देखने के लिए। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, एंड अभी देखते हैं हम लोग। तो वैसे अपने टीममेट ने बोला यार बाउंडेड शॉटगन मिल रही है, सारे के सारे बाउंडेड शॉटगन चला रहे हैं। तो हम भी ऐसे करते हैं यार, आज बाउंडेड शॉटगन लेके निकलेंगे थोड़ा सा घूमने के लिए। तो फिर उसके बाद यार यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने के लिए वुड वगैरह फार्म किया। एंड यहाँ पे जो बेस देख रहे हो यार आप लोग, इनके साथ लिटरली यार हमारी बहुत गंदा फाइट चला था आगे, क्योंकि स्पिट मॉन्स्टर्स के लिए इन्होंने भी बेस यहाँ पे स्पिट मॉन्स्टर के लिए बनाया था। क्योंकि जैसे स्पॉन होता ये भी मारने जाते, हम भी मारने जाते, एंड काफी गंदा फाइट चलाते यहाँ पे। बट कोई नहीं, अभी जो है ना गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना के लिए बेस बनाता हूँ। ओके, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पे सही है, 2x2 का बनाएंगे, ज्यादा नहीं। तो उसके बाद यार मैंने फटाफट से अपने के लिए 2x2 का बेस बनाया। एंड अभी अपने को सिंगल बैरल शॉटगन जो है ना वो पहले से अनलॉक मिलता है। जैसे मैं तो बोलता सिंगल बैरल नहीं है यार,
SMG देते ना भाई, बहुत मजा आता। आई मीन SMG से तो यार अलग स्वैग बनता ग्लोबल में यार। आजकल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं गाइस क्या सीन है ग्लोबल में यार, इतनी बसड़ मची हुई है। मुझे लगता है सारे पुराने बंदे जो है ना गाइस आजकल ग्लोबल खेलने लगे हैं। वो क्यों, वो तो आप लोगों को ही पता होगा, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट मुझे लगता है क्योंकि मैं पहले से खेलता हूँ, पहले इतना ज़्यादा बसड़ नहीं था, जब से पैट वाला सिस्टम आया है तब से ज़्यादा बसड़ ग्लोबल में मचा हुआ है। तो ठीक है यार, मैंने यहाँ पे वर्क बेंच कैबिनेट वगैरह प्लेस किया। एंड अभी सबसे पहले तो अपने के लिए पिस्टल बनाता हूँ, पैंट एंड निक्कर बनाता हूँ। ठीक है, वो बन चुका है अपना। एंड उसके बाद यार यहाँ पे अपना सब चीज़ रेडी हो गया है, और अपने को जो है ना एक R&D मशीन मिली, तो इसको फटाफट से मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। एंड उसके बाद मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पियर मिला। ओके गाइज, यहाँ पे देखो अपन लोग चकुए का रेसिपी अनलॉक कर सकते हैं, मचेट का, बैरल का, एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे SMG का भी है। मतलब जो बंदे को रूम से SMG नहीं मिल रहा है तो वो स्पियर फार्म करके इजिली SMG का रेसिपी जो है ना R&D कर सकता है। तो बट जो है ना अभी हम लोग नहीं करेंगे। एंड मैंने डिसाइड करा यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पियर वगैरह फार्म करता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने उसको थेफ्ट नहीं करा, डायरेक्ट काट दिया। मैंने कहा बे भाई इसको थेफ्ट करके काटना था यार। बट यहाँ पे दूसरा बंदा था, उसको मैं मारा नहीं, बट उससे मेरे को जो है ना अच्छा स्पियर मिला। तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिसोर्सेज वगैरह फार्म करने लगा, क्योंकि मेरे को अपना बेस वगैरह अपग्रेड करना था। तो उसके बाद हमने काफ़ी देर तक यार यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह फार्म किया, एंड फिर जाके हम लोग आए अपने बेस में, क्योंकि अपने को चाहिए बाउंडेड शॉटगन। तो उसके लिए मेरे को जो है ना सबसे पहले तो अपना बेस को थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरे को फर्नेस का मटेरियल मिला। एक फर्नेस मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, बट यार जब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ तो अपना बेस को पूरा का पूरा अपग्रेड कर लेता हूँ। तो ठीक है, अभी फाउंडेशन अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना स्टोन नहीं है। और फटाफट से जो है ना मैं अपने के लिए बनाता हूँ फर्नेस। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने फर्नेस प्लेस किया, एंड अभी अपने को फर्नेस के अंदर डालना है थोड़ा सा सामान, और उसको मेल्ट करने के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद जो है ना मेरे को अपने के लिए बनानी है थोड़ी सी शॉटगन्स की बुलेट्स। पहले क्या था, शॉटगन की बुलेट्स के लिए बनाने के लिए आपको मिड वर्क बेंच चाहिए था, बट अभी जो है ना गाइस शॉटगन की बुलेट्स जो है वो लो वर्क बेंच में ही बन जा रहा है। देखो थोड़ा सा GP मिला, अरे भाई ज्यादा ही दे देते थोड़ा सा। तो ठीक है, मैं फटाफट से शॉटगन का बुलेट्स बनाता हूं। एक शॉटगन का बुलेट्स बन रहा है। तो ओके गाइस, यहां पे मेरे को बाउंडेड शॉटगन मिल चुकी है, एंड अभी हम लोग चलते हैं, अब बाउंडेड शॉटगन से करेंगे मजे। तो उसके बाद यार यहाँ पे से मैं जा ही रहा था, तो मैंने डिसाइड करा चलो हम लोग ऐसे करते ना, यहाँ पे मारते हैं स्प्रिट मॉन्स्टर। वैसे शॉटगन से मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, चकुए से भी मार सकते हैं, बट यार चकुए से मैं जब मारता हूँ ना तो 100% मैं मरता ही हूँ, तो मैं चकुए से कभी मारता ही नहीं। वैसे काफ़ी ज़्यादा भाई लोग यार चकुए से भी मारते हैं, उनसे मर जाता है बट अपन से नहीं मरता। तो मैं शॉटगन के बुलेट से ही मारता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा शॉटगन के बुलेट यहाँ पे बेस्ट होगा। डैमेज ही नहीं आया इसका, तो लगी नहीं गोलियां, लगता है स्कोप खोल के मारना पड़ेगा। चलो ऐसे करते हैं ना, इसके पास चलते हैं एंड घूम घूम के मारने का ट्राई करेंगे। चल बेटे निकल, चल। तो ठीक है यार, यहाँ पे हमारा, उसके बाद मैंने उसको भी मारा, एंड उससे भी जो है ना लगभग अपने को काफी अच्छे कंपोनेंट मिला। चल बेटे निकल, ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स वगैरह डिसमेंटल मारने के लिए आए थे यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरे को बंदों के फुटस्टेप्स आने लगे, तो मैंने कहा चलो यार इनको मार के ही जाता हूँ। ये रहा वो बंदा, एक शॉटगन के बुलेट्स में खत्म। बट यार इससे तो मेरे को कुछ नहीं मिला। एंड अभी जो है ना आप लोग चलते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रूड ऑयल वगैरह फार्म करता हूँ, क्योंकि मेरे को जो है ना अभी फर्नेस लगानी है। भाई शॉटगन के बुलेट्स की आवाज़ आई मेरे को, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सब बाहर निकला शॉटगन एंड SMG चली। मैंने कहा यार अगर ये बंदे को मार दूँ SMG वाले को तो डेफिनेटली यार SMG मिल सकता है मेरे को। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स सी हम SMG वाले को मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। बट थोड़ी सी हेल्थ कम है, मैं अपनी हेल्थ वगैरह फुल करता हूँ। आ रहा है बंदा, आया आया आया, अरे अरे हील कर रहा है, रुक जा पीछे जा, क्लोज में आएगा ना तब मारूंगा इसको। ठीक है,
वो पीछे की तरफ गया, डिसमेंटल के साइड लगता है घूम के आएगा, तो मैं भी जंप कर करके उधर ही चलता हूँ। देखो 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 बंदे को देखो कैसे, जैसे मैंने उसको देखा ही नहीं होगा। भाई किधर, वेयर आर यू गोइंग ब्रदर, लेट्स गो। भाई इससे मेरे को 78 शॉटगन के बुलेट्स, भाई इतनी बुलेट्स काई को लाते हो, शॉटगन की 30 बुलेट्स भी बतेरी है। 30 बुलेट से कम आप 20 बंदे को तो इजीली मार सकते हो। एंड जैसे गाइस यहाँ पे से मैं जा रहा था एंड उसका टीममेट जो है ना यहाँ पे दोबारा आया, मैंने कहा भाई यहाँ पे तो गलत ही सीन हो गया, चलो मारते हैं इसको। और भाई बंदे में भी शॉट गन है, एक 26 का डैमेज, 37 के बहुत लगे यार, इतनी हेल्थ में तो ये मर जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे फेस मेकर यूज करा, मैंने कहा तू मेरे को कैसे मारेगा भाई। बट इससे मेरे को यहाँ पे चकवा मिला एंड शॉट गन तो इसका गिरा नहीं। भाई मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने आपको हील अप करा एंड उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे जितने भी अपने पास थोड़े बहुत कंपोनेंट थे वो डिसमेंटल मारे। एंड यहाँ पे मेरे को आगे बंदे दिखे थे जो कि आपस में काफी ज्यादा शॉटगन से फाइट कर रहे थे। मतलब यहाँ पे जो तो आपस में घर है ना भाई, बहुत ही ज्यादा गंदा फाइट, भटे 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 एक दूसरे का कपाल फोड़ रहे थे शॉटगन से। तो हमने भी कहा चलो यार हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे एंड यहाँ देखो भाई दो बंदे आ गए पीछे से शॉटगन लेके। मैंने कहा रुक जा, अरे 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 ले भाई निकल निकल, और एक बंदा और आया शॉटगन लेके, ले बेटे गया। एक और बंदा आया, ओ भाई लूट उठा रहा था, मतलब शॉटगन उठा रहा था उसका। चलो ठीक है गाइस यहाँ पे मेरे को थोड़े से पाइप वगैरह मिले एंड उसके बाद यार मैं जैसे ही यहाँ पे से जाने का ट्राई कर रहा था तो यहाँ पे पीछे जिसके घर है ना वो बंदा शॉटगन निकाल के आएगा एंड अपने टीममेट को भर दिया। मैं गया मारने के लिए, ए ले एक बुलेट लगा, नहीं 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 एंड यहाँ पे इसने स्पाइक्स लगा के रखा हुआ था एंड स्पाइक्स से ना मैं नॉक। भाई इसने गलत सीन कर रहा है, मतलब अपने गेट के सामने स्पाइक लगा के रखी हुई है। बट कोई नहीं यार, अपने टीममेट ने यहाँ पे बैक दिया, मैं दोबारा से आया यहाँ पे एंड एक बंदा जो है ना यहाँ पे SMG से मार रहा था। भाई ये ऊपर कहाँ से चढ़ा, बट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये ऊपर कहाँ से चढ़ा। एंड हम लोगों ने इसको मारने का काफी ज्यादा ट्राई किया बट ये बंदा जो है ना यार नीचे ही नहीं आ रहा था। बाद में पता चला यार ये घोड़े से जो है ना इसके छत में चढ़ा है। मैंने कहा ओ आया 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 आया, अरे मेरी शॉटगन ग्लिच हो गई गाइस, एक बुलेट लग रही है इसमें, मतलब एक बुलेट रिलोड हो रहा है यार। अगर दो बुलेट रिलोड होता यार मारने के चांसेस बन सकते थे, बट कैसे। उसके बाद यार मैं ट्राई काफी ज्यादा किया कि ये शॉटगन को ड्रॉप, अगर ड्रॉप करता यार टूट जाता, बट इसमें एक ही बुलेट रिलोड हो रही थी तो मैंने कहा यार जब तक मेरे पास बाउंडेड बुलेट्स है इसका ट्राई करता हूँ, बाद में बाकी तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कर लूंगा क्योंकि अब इसको रख के कोई फायदा नहीं है। एक बुलेट से शॉटगन से मारना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड ये बंदे को देखो, ये वही बंदा है जो कि छत में चढ़ा हुआ था, ये ना देखो। ओ भाई निकल बेटे बाहर, बाहर निकल, ले बेटे लगाओ उसको लगा। एंड देख रहे हो गाइस अपने टीममेट को अंदर पैक कर दिया उसने। आजकल यार शॉटगन का ना एक नंबर का मस्त चस्का है, इतने बंदे मिलते हैं यार ग्लोबल में, मजा ही आ जाता है शॉटगन चलाने में। तो ये तो यहाँ पे से निकले नहीं, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यहाँ पे से हम लोग चलते हैं। एंड पीछे से जो है ना गाइस यहाँ पे आ गए दो तीन चाइनीज SMG UG फार्मास लेके। तो यहाँ पे एक बंदे को तो ऑलरेडी नॉक कर दिया है, दूसरे बंदे को मैं मार रहा था, एक लगा भाई यार दो बुलेट्स क्यों नहीं है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे पेसमेकर यूज किया, एक बंदे को नॉक किया, बट दो, देखो गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी गलती थी ना अपने शॉटगन में, एक ही बुलेट्स आ रहा था। कितने बार तो मैं इसी कारण मारा, अगर दो बुलेट्स रहता तो यार डेफिनेटली 101% वो मर ही जाता। फिर उसके बाद यार मैं लेके आया डबल बैरल शॉटगन, मैंने कहा अब नहीं अब नहीं। तो उसके बाद यार अब मेरे पास डबल बैरल शॉटगन आ चुका है 5 बुलेट एंड अब आएगा वीडियो मजा। तो चलो यार फटाफट से चलते एंड बंदों को बजाते, ये शॉटगन से मारेगा, पहले वैसे मार लेता तू अब नहीं मार पाएगा, किधर गया। और भाई वैसे यार अगर आप लोगों को मजे करने ना तो मैं एक चीज बताऊं, आप लोग खेलो गैस स्टेशन में, मजे करो और निकल जाओ। मतलब शॉटगन यार आपको शॉटगन से SMG वगैरह सब चीज मिल जाएगा, दो तीन दिन खेलो सर्वर मजा आएगा। बाकी आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग यार पूरा सर्वर खेलो। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से यार पाइप वगैरह है, थोड़ा सा क्लॉथ है वो डिसमेंटल करता हूँ क्योंकि अपने को थोड़ा सा स्पेयर चाहिए। SMG अभी तक तो नहीं मिला मेरे को, R&D वर्कबेंच से
एसएमजी निकालने के लिए कम से कम अपने को 1200 स्पीयर चाहिए, एंड वो कलेक्ट करने में लिटरली अपनी हो जाएगी हालत खराब। तो वो हम लोग करेंगे बट अभी नहीं। तो ठीक है यार, अपन का क्लॉथ वगैरह डिसमेंटल हो चुका है एंड यहाँ पे आ चुके कुछ बंदे, मारते हैं। अरे भाई वो रहा, देखो भाग रहा है तीन बंदे को देख के। चलो यार चलो उसके पीछे। एंड ये बंदा वही है जो देखो अपने को लेके जाएगा उसके बेस के सामने, एंड उसके बेस के सामने जैसे हम लोग पहुंचोगे ना तब वो दिखाएगा अपना असली कमाल। बट चलो यार आप लोगों को दिखाता हूँ, चलते हैं उसके बेस में एंड मजे करेंगे। देखो 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 गाइस, और सबके सब पिस्टल चला रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो अपने टीममेट उसके डोर के पास कैंप करेगा। वो बंदा जो है ना गाइस किस तरीके से निकलेगा, बटे आपने शॉटगन से अपने टीममेट को बजाया एंड उसके बाद दोबारा से अंदर घुस गया। तो मेरा प्लान था यार अभी अपने इसके बेस के पास तो नहीं जाएगा, अगर इसके बेस के पास गया ना तो डेफिनेटली यार अपने को भी मारेगा। फिर हमारे दिमाग में आया मिंटोस वाला प्लान। हम लोगों ने क्या डिसाइड करा, यहाँ पे लेटते बंदा निकलेगा बाहर, भटाक से शॉटगन मारेंगे इसका। तो यहाँ पे जो है ना अपना एक टीममेट तो लेट चुका है जमीन में, एंड मैंने कहा चलो यार मैं भी लेटता हूँ। अरे भाई शॉटगन चला रहा है भाई लौंडे, अंदर से शॉटगन चला रहा है वो। ओ निकला बाहर, देखो बाहर निकलता शॉटगन मारता दोबारा अंदर घुस जाता। अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यार अभी चलते। तो उसके बाद यार यहाँ पे हम लोग बैठे थे, अरे यार कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैंने कहा चलो यहाँ पे ही मैं लेटता हूँ, एकदम मुंह के आगे इसके, बाहर निकलेगा फिर मारूंगा। एक लगा, एक दो तीन, तीन बुलेट से लगा यार मेरा एसएमजी का, नहीं पिस्टल का। चलो अब मैं लेट गया यहां पे, निकलेगा बाहर मारूंगा इसको। तो निकला बाहर गाइस ये ले ले, फिर अंदर घुस गया। बट उसके बाद यार हम लोग वहां पे छोड़े एंड अपने टीममेट ने डिसाइड किया कि मैं दूसरे बंदे को लेके आता हूँ एंड तुम शॉटगन से मारना। एंड अपने टीममेट को मारने के लिए बंदा आ रहा है उसके पीछे शॉटगन लेके। ये देखो सरप्राइज ब्रदर लगा उसको, गया गया गया। अरे भाई गलत सीन कर दिया इन लौंडों के साथ। चलो यार यहाँ पे मेरे को हाइट की चेस्ट मिला, फटाफट से चेस्ट उठाता हूँ एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरी जगह। तो अपने टीममेट ने यहाँ पे बोला भाई मैं ऐसे करता हूँ ना, और बंदे लेके आता हूँ, तुम मेरे से सामान वगैरह पकड़ो। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, फटाफट से जितना भी सामान तुम्हारे पास है सारे का सारे ड्रॉप करो एंड हम लोग जो है ना चलते हैं। भाई आर्मर तो पूरा है इन भाई के पास एंड हम ही लोग हैं जिनके पास आर्मर पूरा नहीं है। अभी उनका आर्मर उठाया वही पहन रहा हूँ मैं। तो उसके बाद यार यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक वेट किए एंड कोई भी बंदा अपने टीममेट के पीछे नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद यार यहाँ पे स्प्रिट मॉन्स्टर थे तो मैंने डिसाइड करा चलो इसको मारते हैं हम लोग। एंड देखो वो बंदा पीछे से अपने टीममेट को मारने लगा, मैंने कहा चलो यार इसको मारता हूँ, बट उसके पास एसएमजी था। अरे भाई स्प्रिट मॉन्स्टर ने मार दिया यार पीछे से, बट कोई नहीं इन बंदों से गाइस मुझे लगता है अपने को एसएमजी मिलेगा। ट्राई करते हैं लेट्स गो। पहले मैं अपने टीममेट को जो है ना अपने बेस में बैग देता हूं, अभी तक बैग भी नहीं दिया है मैंने। तो ठीक है यार यहाँ पे मैंने बैग दिया एंड लेट्स गो चलते हैं। तो आवाज़ तो आ रही है एसएमजी का, वो बंदा भाग रहा है देखो, ऐसा लगता है मेरे को उधर ही पकड़ना पड़ेगा। ऐसे करते यार इसके बेस के पास चलते हैं एंड उधर ही पकड़ेंगे अपन लोग इसको। हाय देयर डोंट शूट चल रहा है उधर, लगता है कोई बंदा इससे ट्रेड करने आया है। तो इनका ट्रेड हम लोग होने नहीं देंगे, ट्रेड होने से पहले इनको बजाना है। अरे बारह बारह ले बेटा निकल, एक बंदा तो निकला, एक बंदा इधर ही था, इसका किधर गया, यहाँ पे तो है नहीं। अपना टीममेट बोला भाई मेरे को एसएमजी मिल चुका है, मैंने कहा ठीक है अपने पास रख। हाय देयर डोंट शूट,
बेटा निकल तू यहाँ पे से, पहले तू ही मारा मेरे को। चल अरे 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 भाई अरे भाई अरे भाई एसएमजी चली एसएमजी। चल बेटा तू भी निकल भाई, यहाँ पे दो एसएमजी मिल गई और क्या चाहिए यार, अब आएगा मजा। ठीक है उसके बाद हमें एसएमजी मिला, मैंने फटाफट से यार एसएमजी उठाया, मैंने कहा अब आएगा ना बिड़ू मजा। वैसे इन बंदों के पास रेड डॉट है बट ये रेड डॉट वाली गन लेके नहीं आया, भाई रेड डॉट वाली गन लेके आता तो अपने को रेड डॉट भी मिल जाता अभी, बट कोई नहीं गाइस अभी हम लोग ट्राई करते हैं, लेट्स गो। भाई चाइनीज हैं यहाँ पे दो तीन, कहीं वो ना आ जाए यहाँ पे आवाज सुन के। तो मैं फटाफट से यार बेस के अंदर चलता हूँ, एसएमजी सेव करें क्या करना, ट्राई करते हैं मारने का। वैसे जितना भी मेरे पास कचरा है ना मैं सारे का सारा ऐसे करता हूँ ना यहीं पे रख देता हूँ, आई मीन जितना भी मेरे पास मटेरियल है वो बॉक्स में डाल देंगे, जितना भी अपने पास मेंटेनेंस वाला मटेरियल है वो हम लोग कैबिनेट्स में डाल देंगे। तो चलो यार अभी हम लोग चलते हैं दोबारा से, ये बंदे यार अभी फायर कर रहे थे एसएमजी का, लगता है ये अपने को अपने बेस के पास बुलाकर मारने का प्लान कर रहे हैं, बट लेट्स सी देखते हैं यार मार पाते हैं नहीं मार पाते हैं या फिर हम लोग मार पाएंगे। चलो वो बंदा निकला बाहर, शॉटगन के बुलेट्स मिला ना, अपना टीममेट जो है ना गाइस इसके घर के अंदर घुस गया, बोला भाई मेरे पास बाउंडेड शॉटगन। तो भाई अपना टीममेट वहां पे गुस्सा हुआ इसके बेस के अंदर, एंड ये बंदा जो है ना जहां पे इसने अपना वर्कबेंच लगा दुकान लगा के रखी हुई है वहां से निकलेगा ना अपने एक टीममेट को भर देगा। अरे भाई अपना टीममेट इसके बेस के अंदर घुस के इनको भर रहा है, चलो ठीक है यार। तो यहां पे देखो उसने अपने टीममेट को भर दिया एक, किधर है ये रहा वो बंदा। तो चलो यार मैं फटाफट से अपने टीममेट को रिवाइव देता हूं, बट कोई नहीं अपने टीममेट का सामान नहीं उठाना है, अपना टीममेट आके उठा लेगा। एक बोन की चेस्ट मिल गया मेरे को यहां पे जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। ये क्या मतलब शॉटगन ट्रैप गाइस यहाँ पे रखने का ट्राई कर रहा है ये बंदा, मतलब यहाँ पे अगर बंदा कैंप करेगा तो शॉटगन ट्रैप मार देगा। ठीक है चलो भाई, अब मुझे नहीं लगता ये भाई लोग दोबारा से आएंगे, ऐसे करते गाइस अभी हम लोग निकलते हैं थोड़ा सा रूम्स वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी अपने को ना आयरन आर्मर वगैरह की ज़रूरत है। वैसे भी लेट काफ़ी लेट सर्वर स्टार्ट किया था मैं जस्ट देखने के लिए शॉटगन वाला सीन, दो दिन बाद भी सर्वर जो है ना एकदम फुल था, 80-80 बंदे थे भाई। लगता है थोड़ा सा इनको और कुछ करना पड़ेगा कि गेम पे जो है ना इनके प्लेयर्स थोड़ा सा यार मज़े करने के लिए खेलें, मजदूरी करने के लिए नहीं, आई मीन गेम इंजॉयमेंट के लिए होता है यार, जहाँ पे मज़ा आएगा वहाँ पे खेलता है इंसान, या मजदूरी करने के लिए कौन खेलता है, आप खेलते हो? मेरे ख्याल से खेलते हैं काफ़ी बंदे मजदूरी करने के लिए रात दिन जगना, मेरे से तो नहीं हो पाएगा यार रात दिन जगना। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे जंप कर रहा था ना, मेरे को ऊपर से बंदा दिखा भैया एसएमजी लेके आ रहा है, तो चलो यार मारते हैं इसको, सरप्राइज देंगे यार सरप्राइज। ऐसे कहता हूँ मैं पीछे से जाता हूँ यहाँ पे कैंप करूँगा, आ रहा है और वो रहा और वो कैंप करने लगा। ले ओ, एक और एसएमजी यार, आज तो एसएमजी के यार खान लग गए उन पे, मतलब इतना सारा एसएमजी मजा आ गया फ्री में। भाई फिर निकला वो बंदा बाहर,
भाई अपने टीममेट का शॉटगन भर दिया, बट आई थिंक शॉटगन के बुलेट्स खत्म हो गया। तो चलो गाइज आज के वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में यार आपको और जी गजब का सीन दिखेगा। ये भाई लोग यहाँ पे से रेड करने के लिए जा रहे थे कहीं, एंड मेरे को जो है ना ये बंदा दिखे, मैंने उनसे मारा एंड इनसे जो है ना अपने को लगभग 25 के करीब में ऑयल ड्रम्स मिले थे। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत रेड वगैरह किया, थोड़ा यहाँ पे मजे किया, फिर हम लोग जो है ना ये सर्वर को छोड़ के ना जा चुके थे, क्योंकि यार ये सर्वर में काफ़ी ज़्यादा लेट था। एंड इसलिए जो है ना मैं जस्ट फन करने के लिए आया था, एंड नेक्स्ट वर न्यू सर्वर जो है ना हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना यार, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जो करना है करना, बट चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।